आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे रतन टाटा जिंदाबाद। आज के इस दौर में हर आदमी का एक सपना है कि उसके पास भी एक छोटा सा घर और घर के बाहर एक अपनी कार खड़ी हो, लेकिन महंगाई के इस दौर में लोग घर तो बड़ी मुश्किल से खरीद ले रहे हैं लेकिन कार लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कार ले तो ले, लेकिन हर दिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत उन्हें परेशान और डरा देती है। अब आपको अगर कार लेना है तो तैयार हो जाएं, क्योंकि टाटा मोटर्स जल्द ही भारत में अपनी मेगापिक्सल कार लॉन्च करने जा रही है। इस कार को इस तरह से बनाया गया है कि यह कार 1 लीटर में 100 किलोमीटर का माइलेज देगी। साथ ही इसमें फीचर काफी एडवांस होंगे। आपको बता दें कि टाटा ने इस कार को 82वें जेनेवा मोटर शो में पेश किया था। ये साल 2019 तक भारतीय बाजार में लॉन्च की जा सकती है। टाटा अपनी इस कार को मेगापिक्सल के नाम से बाजार में लॉन्च करेगा। इस कार को आम आदमी भी खरीद सके, इसलिए इसकी कीमत को भी उसी के अनुसार रखा गया है। इस कार की कीमत 1 से 2 लाख रुपए के बीच छूने की संभावना है। बता दें कि यह कार 4 सीटर होगी